ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारी गाड़ी रॉयल एनफील्ड, और अभी हम निकल रहे हैं आंबोली घाट पे। मोस्टली 620 किलोमीटर है यहाँ से। आई नीड टू चेक 620 और 680, आई नीड टू चेक इट बैक। नहीं, 620 ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 680 तो गोवा का ही था। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे, और एस्टिमेशन टाइम दिखा रहा है सुबह के 6 बजे, सो एग्जैक्टली लाइक 12 आवर्स। सो अभी देखेंगे, पिट स्टॉप करते करते तो आगे टाइम निकल जाता वैसे भी। सो जर्नी तो शुरू हो गई। लाइक अभी हम वो जो रोड लिए पठान शेरू, और वहाँ से हुमनाबाद, देन फ्रॉम देयर अंदर वैसे रोड जैसे बताते रहूँगा वो जा रहे हैं। एकदम अच्छा खासा रोड है स्टार्टिंग में, वैसे ऑब्वियसली सिटी के बाहर है। सो जस्ट एन्जॉय द रोड, आई विल जस्ट पुट सम म्यूजिक फॉर यू। तो अभी हम है हाईवे पे, और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग ने कितना किलोमीटर मारा है दिखाता हूँ। अभी बचा है 438 बचा है। हम लोग शुरू किए थे 620 किलोमीटर, मोस्ट प्रॉब्ली कैलकुलेट कर लो, हार्डली 100 किलोमीटर है शोलापुर। ये बस अभी चाय पीने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ढाबे पे रोके, चाय पी लेंगे 100 किलोमीटर शोलापुर पे डिनर करके, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग आंबोली घाट, आंबोली घाट पे वाटरफॉल्स देखने, फिर वहाँ से हम जाएंगे, बताऊँगा आगे आगे, आई विल एक्सप्लेन यू। भाई इतना ब्यूटीफुल ढाबा है, इसको देख के ना मेरे को क्या बोलते हैं, सरफरोश आमिर खान का मूवी है ना, जहाँ पे ढाबे पे अटैक होता, जहाँ ढाबे पे अटैक होता ना, वैसा वाला मॉल आ रहा। बस खटिया नहीं है यहाँ पे, खटियों का है एक दो पड़ा है यहाँ पे। तो निकलते ये, और अभी हम रोड बचा है 6 घंटे, एंड सांगली 180 किलोमीटर से यहाँ से ऑलमोस्ट, एंड 6 hours 30 minutes है। एंड ये रोड जो मक्खन वाला रोड है ना, बिंदास वाला रोड है, आँख बंद करके जाओ ये रोड पे, आँख बंद करो बोलते, आँख बंद ना को करो, मस्त से जाओ। प्यारा सा रोड है, ब्यूटीफुल रोड है, और रास्ते में पूरे आपको यही मिलेगा, शुगर केन के जो खेती है, खेती बाड़ी बहुत रहती है यहाँ पे। हम लोग एक्चुअली महाराष्ट्र के थ्रू होके जा रहे, एंड लिटरली यार आई एम लविंग दिस रोड, सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है भाई। मैं तो बोलता हूँ प्यार व्यार सब रखो सिटी के अंदर, गाड़ी निकालो, लिटरली बोल रहा हूँ, और अपनी जो लाइफ है ना तुम उसको जियो बस। और ये जो रोड पे जाओगे ना, अपना दिमाग लग, कुछ मत सोचो, बस रोड को देखो, गाड़ी चलाओ, लिटरली यार आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ टेंशन वेंशन पूरा सिटी में छोड़ के आओ, आराम से चलाओ गाड़ी। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो सांगली 180 है, हम विजयपुरा से नहीं जाएंगे, सांगली से जाएंगे ऑब्वियसली। लिटरली यू विल लव दिस रोड, जाओ एंजॉय करो, एंड अगेन आई एम पुटिंग सम म्यूजिक फॉर यू। ये रोड दिख रहा, सेक्सी रोड है ये, सेक्सी रोड। लेकिन वो जो ओमेरगा से अगर स्ट्रेट आते ना, वहाँ का रोड उतना गंदा है, थोड़ा 30-40 किलोमीटर गंदा मिलता। लेट मी ओपन दिस। तो वहाँ से थोड़ा सा ओमेरगा रोड उतना अच्छा नहीं है, फिर वहाँ से जैसे जैसे सोलापुर को अप्रोच करते ना जैसे, एंड वहाँ से भाई साहब सोलापुर से जैसे राइट लेके एक रोड है, मक्खन रोड है, मक्खन। जो भी सोलापुर में रहने वाले हैं मस्त रहते हैं भाई, मतलब तो रोड ऐसा मक्खन रहना, चलाने में मज़ा आता है। इतना गंदा रोड था आगे वाला ओमेरगा के, बस इट वॉज नॉट गुड। वहीं पर डिनर कर लिया था समथिंग लाइक। अभी और 328 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 780 दिखा रहा है, सो मोस्ट प्रॉब्ली पहुँच जाएंगे, नॉट एन इश्यू। और तो और इतना क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ब्रेक्स लेने के बाद भी मैं कवर कर ले रहा हूँ, देयर इज़ नो डिले। भाई साहब ये कैसी गाड़ी है, तो गाइस सुनो 328 किलोमीटर है और अपनी गाड़ी रेडी है, माँ की गिर गिर आग चिंदा लगा देंगे भाई, अपनी गरम गरम चाय बन रही स्पेशल अबे हाईवे पे, मस्त है भाई साहब। I'm fine.
भाई लोग अभी हम सोलापुर टू संगोला के वे पे, तो यहाँ से संगोला लाइक अराउंड 4-5 किलोमीटर है। हुआ नैना नैन कंपिस्ना निकलो कंपिला वसा तो सेइंग क्या बोल रहा है भाई, ठंडी में ना मुंह पिसल रहा है मेरा दबा के, काइंड ऑफ तोतला थिंक्स हो रहा करके। वैसे क्या तो वहाँ से जो सोलापुर आया बोलो सोलापुर हाँ भाई, अभी चाय की मदद लेके भाई ये बोल रहा था जबरदस्त किराक रोड है, और सोलापुर से लेके संगोला तक ऐसी रोड है किराक मस्त है, और यहाँ से फिर मिराज, फिर वहाँ से थोड़ा गांव में जाना पड़ेगा बोल रहा था, फिर वहाँ से थोड़ा सा हाईवे का काम चल रहा है, सो मोस्ट प्रॉब्ली अभी मोर 220-230 किलोमीटर है, सो मोस्ट प्रॉब्ली विल रीच ऑन टाइम, नो इश्यूज। लेकिन भाई जो मज़ा है रोड में चला के भाई साहब, एकदम एकदम है ना, रोड को पप्पी देने को मन किया लेकिन नहीं कर सकते ना, चाय पीते हैं ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं। Crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. सो अभी पहुंच गया यहाँ पे अम्बोली वाटरफॉल, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वाटरफॉल है नहीं, जैसे आप देख सकते हो इतना है नहीं, पानी बिल्कुल ख़त्म है, नथिंग लाइक दैट। सो ट्रैवलिंग भाई साहब, बीच में गाड़ी ख़राब हो गई थी, सो ऑलमोस्ट अभी 10 बज रहे हैं, हम लोगों को पहुंचना था अराउंड 8 o'clock को, लेकिन क्या करें गाड़ी ख़राब हो गई थी, यानी पंचर हो गया था, फिर अभी ठीक है, सो फार 1.5 घंटा लगा था, दैट इज़ ओके, अभी पहुंच गए अम्बोली वाटरफॉल, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं उतना, वो तो शायद सीज़न नहीं है ना, शायद बारिश नहीं है तो पानी कम है, नहीं तो इसका जो क्या बोलते हैं फ्लो रहता है ना, फ्लो वो बहुत ज़्यादा रहता है, और ये जो सीढ़ी रहती है ना यहाँ तक पानी रहता है इसका, फिर हाँ तो लोग एक्चुअली पूरे भीगते भीगते जाते हैं, शॉर्ट्स में आते बेसिकली, अभी उतना वाटरफॉल का उतना स्पेस है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दो फोटोज़ खींचेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे बागा बीच के लिए, देन वहाँ का सफ़र वहाँ बताते हैं, सो फार एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, पानी कमा रहा लेकिन। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो अभी हम लोग वीडियोज लेट पे हैं,
तो अभी क्या बोलते हैं, ये मोमोज खाने के लिए रुक गए, तो मोस्ट प्रॉब्ली मोमोज खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, विल प्रॉब्ली हिट सम क्लब टोक्यो भी निकाल के वगैरह, देखते हैं हाउ नाइट रिच्स इन गोवा। उसके बाद ये अभी तो क्या बोलते हैं, नाइट इज स्टिल यंग, तो शुरू हुआ। तो अभी है हम सिकेरियम बीच पे, लाइक फोर्ट अकॉर्डर से राइट लिए तो यहाँ पे आते हैं, देर इज़ नो फ्री एंट्री, एक्चुअली दस फ्री एंट्री, नो चार्जेस लग जा, तो देख सकते हैं ब्यूटीफुल है। यहाँ से दिखाता हूँ आगे, सो गोवा का ट्रिप ख़त्म हो गया है। सो ये रिटर्न टू हैदराबाद का ट्रिप है, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो फुल ऑन मस्ती की गोवा में हो गया, बहुत सारे वीडियोज़ है जो नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली इट वॉज माई बर्थडे एंड आई डोंट वांट टू शो दोज वीडियोज़ टू यू जहाँ हमने मस्ती की एनी हाउ। एंड अभी जो एक गलती मैंने की वो आप मत करना, मैंने चूज़ किया था घाट सेक्शन रिटर्न पे, सो बेलगावी वाला रास्ता पीछे से आरंबोल से अगर आप जाओगे तो ये रास्ता आपको दिखाएगा, सो एनश्योर ये वाला रोड आप अवॉइड करो और वापस मे बी श्योर शोलापुर वाला रोड ही पकड़ लो, क्योंकि इस घाट का रोड इतना घटिया है एंड लिटरली 50-60 किलोमीटर में आपको 2-2.5 घंटा लग जाएगा, बिकॉज रोड्स आर पथेटिक, आई एम लिटरली टेलिंग यू, रोड्स आर नॉट एट ऑल गुड। एंड एंजॉय द वीडियो। अनएक्सपेक्टेडली फीफा मैच हाईवे ढाबे पे, अर्जेंटीना विंस द मैच, अभी हमारा मैच रोड पे है, स्टार्ट करना गाड़ी और निकलना और बागलकोट पहुंचने वाले, सो इट्स हाईवे ऑन बागलकोट, मस्त मैच भी देख लिया, खाना भी खा लिया, बस अभी निकलना पड़ रहा, अभी हमारा मैच शुरू होता हुआ पे, ये हाईवे जबरदस्त रोड है भाई साहब, ये तो जो मज़ा है रोड में चलाने को, चिराग एक चाय स्टॉप, ये मेरी धन्नो, और फिर सीधा यहाँ से निकलेंगे बस। कोई बात नहीं, हमारे शिवा भाई ये बागलकोट हाईवे से जा रहे थे, सो ही हैज ऑफर्ड अस फ्री टी एंड फ्री स्नैक्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।